28 बेस्ट किचन टिप्स बहुत काम के हैं, जरूर सुने। एक, आंख के पत्तों में मांसपेशियों को आराम देने वाले गुण होते हैं। इन पत्तों को दर्द वाले स्थान पर लगाने से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है और दर्द दूर होता है। अगर आप आंख के पत्तों को सरसों के तेल या फिर घर का बना हुआ मक्खन लगाकर गर्म करके दर्द वाली जगह पर लगाएंगे तो आपका दर्द कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। गांव में आज भी लोग इसी तरीके से मोच पर आंख के पत्ते को बांधते हैं। दो, जब भी आप दूध पिएं, दूध पीने के तुरंत बाद में खट्टी चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। ऐसा करना बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। 3, जिस इंसान की आंखों की रोशनी कम हो गई है, उनको आंवले के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर चाट लेने से आंखों की रोशनी धीरे धीरे वापस आ जाती है। 4, मूली और दूध का एक साथ सेवन पेट में अपच, जलन और एसिडिटी की समस्या उत्पन्न कर सकता है। इनकी तासीर एक दूसरे से विपरीत होती है, जो पाचन तंत्र को बाधित करती है। मूली खाने के तुरंत बाद दूध का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोनों के बीच कुछ घंटों का अंतराल जरूर रखें। 5, जिस इंसान के दमा या फिर अस्थमा की बीमारी है, उनको गाजर का रस जरूर पीना चाहिए। इससे अस्थमा पूरी तरह ठीक हो जाता है। 6, अगर आपको हमेशा स्वस्थ और जवान बने रहना है तो सुबह के टाइम भीगी हुई अजवाइन, हरी मूंग और भीगी हुई काली किशमिश जरूर खाएं। आपको ये हमेशा स्वस्थ रखेगी। 7, अगर पेट की चर्बी ज़्यादा बढ़ गई है तो रोज़ाना सुबह तेज चलें और कोई भी एक खट्टा फल दिन में ज़रूर खाएं, जिससे आप जैसे नींबू, किन्नू, संतरा कोई भी खा सकते हैं। 8, दालचीनी की सुगंधित चाय वसा को जलाने में मदद करती है। इसे बनाने के लिए दालचीनी की एक टुकड़ी को उबलते पानी में डालें। शाम को दालचीनी की चाय पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है। दालचीनी में कई एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। आप इसे स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़े से शहद से मीठा भी कर सकते हैं, यानी आप इसमें थोड़ा सा शहद डालकर भी पी सकते हैं। 9, जो इंसान अपनी हर चीज़ भगवान को थमा देता है, वह अपने हर काम में भगवान को साथ पाएगा। 10, दिन में अपने माँ बाप के साथ समय जरूर बिताएं, इससे वे कभी बूढ़े नहीं होंगे और आप बड़े नहीं होंगे। 11, जिन लोगों के बाल झड़ना शुरू हो गया है, उनको तिल्ली का तेल लगाना चाहिए। इससे बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। 12, जो लोग दुबले पतले हैं, उनको सुबह के वक्त दूध में रोटी डालकर खानी चाहिए। इससे उनका दुबलापन दूर होगा। 13, अगर आप सुबह के वक्त नींबू में काली मिर्च डालकर लगाकर खाते हैं, तो इससे आपके पेट की चर्बी जल्दी से पिघलने लगती है और काली मिर्च आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। 14, ठंड आ रही है तो आप नहाने से पहले सरसों या नारियल के तेल से शरीर की मालिश जरूर करें, इससे आपके शरीर में ताकत बनी रहेगी। 15, नमक, चीनी और पानी का घोल लूज मोशन में सबसे आसान और सबसे असरदार उपाय माना जाता है। जब भी आपको लूज मोशन हो, तुरंत एक गिलास में 1.5 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक अच्छी तरह से मिलाकर पी जाएं। इससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। 16, अपने खाने में शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल जरूर करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन ध्यान रखें, जिनके कोई बीमारी है या फिर बीपी की दिक्कत है तो उनको घी नहीं खाना है। 17, शहद को गले की खराश की समस्या को कम करने में काफ़ी प्रभावी माना गया है। इसमें एंटी माइक्रोबल गुण होते हैं, जो बैक्टीरिया को मारने और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही इसकी गाढ़ापन और चिपचिपापन गले को आराम देने में मदद करता है। तो जिनके गले में खराश है, एक ये काम करके देखें। 18, जिस इंसान के कब्ज की दिक्कत है, उनको रात के वक्त एक गिलास दूध में
गर्म दूध में एक चम्मच घी डालकर पी लें, इससे आपको फायदा मिलेगा। 19, चने और जौ की रोटी खाने से इंसान हमेशा स्वस्थ बना रहेगा। 20, जिन लोगों को एलर्जी की दिक्कत है उनको लस्सी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे आपकी एलर्जी और बढ़ सकती है। 21, अगर किसी व्यक्ति के जुकाम ठीक नहीं हो रहा है तो उनको सरसों के तेल में लहसुन को पकाकर ठंडा करके एक या दो बूंद नाक में डालने से ठंड ठीक हो जाएगी, और अपनी हथेलियों पर पैरों के तलवों में इस तेल से मालिश जरूर करें। 22, शहद के साथ केला खाने से दिमाग तेज हो जाता है। 23, एक गिलास दूध में एक केला मिलाकर पिए, इससे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और मांसपेशियों में ताकत बनी रहती है। 24, सर्दियों में दूध में गुड़ मिलाकर जरूर पिए, इससे शरीर में ताकत रहती है, स्किन ग्लो करती है और खून की कमी भी दूर होती है। 25, अगर आपके गोल ब्लेडर में पथरी की दिक्कत है या किडनी में पथरी है तो आपको एलोवेरा का गूदा निकाल कर शुद्ध हो ध्यान रखें जूस बनाकर पीना चाहिए, इससे किडनी ठीक हो जाती है। 26, सूखा खोपरा चबा चबा कर खाएं, जब मुंह में गल जाए तब उसको कुछ देर के लिए मुंह में ही रखें, इससे आपके मुंह के छाले एक दिन में ठीक हो जाएंगे। 27, काले अंगूर पेट की सफाई के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माने जाते हैं, इसलिए अब ठंड का मौसम आ रहा है तो काले अंगूर बाजार में आसानी से मिल जाएंगे, आप अपनी डाइट में डेली काले अंगूर जरूर शामिल करें। 28, अगर आपके पेट में छाले हो रखे हैं तो आप बेल की पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी को पी जाए, या फिर बेल पत्र का पत्ता लें और उसको रोजाना सुबह के वक्त खाली पेट जरूर खाएं। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।